तो अभी हम चार लोग जा रहे हैं घूमने, बाकी कोई नहीं जा रहा है, पापा को काम है, तो मैं, बड़ा वाला भाई, भाभी और कानू, मम्मी, हम जा रहे हैं। छोटे वाले भाई और भाभी भी नहीं जा रहे हैं, वो सो रहे हैं, उनको नींद आ रही है। तो आज मौसम सही हो रहा है, अभी देखते हैं आगे। गाड़ी निकाल रहे हैं बाहर भाई साहब, ये देखिए, आज मैं बैठूंगी आगे फ्रंट सीट पे। तो अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? नागोड़ा। अभी हम जाएंगे नागोड़ा, वीरात्रा माता, जसोल। हम देखते हैं हम कहाँ कहाँ कवर कर पाते हैं, आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा। कानू को देखिए, कानू की सीट बहुत अच्छी है। अभी हम निकल चुके हैं खुड़ाला से, आगे देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। कौन बक किसने रखे, कौन कौन दियो, कौन कौन लेके लिए तो भाई साहब इनकी खुली थी विंडो और दूसरे पे चिल्ला रहे हैं ये कानू, आप यहाँ आ जाओ आगे। ये देखिए हमारी कानू को, रोड देखो, छोटी सी रोड, कितनी प्यारी सी लग रही है, बहुत अच्छी सी ड्रेस पहन रखी है। तो बहुत तेज धूप हो रही है, कड़ाके की धूप, एकदम जबरदस्त वाली धूप हो रही है। काना गर्मी लग रही है क्या बेटो, है ना? तो अभी हम आ गए हैं जसोल, ये आप देख सकते हैं जसोल। तो हम जा रहे हैं जसोल माता जी के, हम माता के दर्शन करेंगे यहाँ पे, यानी कि माजी सा के। ये भाभी, ये मम्मी, ये कानू, ये भाई और मैं शूट कर रही हूँ। तो अभी हम जाते हैं मंदिर के अंदर। कैसा लगा गाड़ी से बाहर निकल के, कैसा लगा? गर्मी, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी, हाई लेवल वाली गर्मी है। यहाँ पे आपको ऐसी शॉप्स मिलेगी। जा रहे मैडम, प्रसाद लिया, मैडम प्रसाद लिया, मैडम जी प्रसाद लिया। वेश बदलने केवल महिलाओं के लिए, आप यहाँ कपड़े वगैरह, ये है माता जी का मंदिर, आप देख सकते हैं जसोल, ये माजी शाह का मंदिर है। मैं यहाँ शायद सेकंड बार आई हूँ, पहले मैं आ चुकी हूँ। ये देखिए रानी बटियाणी, राग चालना यार दोस्तों। तो आपको इस तरह से जाना पड़ेगा, ये सारा इधर बना रखी है ऐसे लकड़ी से रेलिंग्स, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो आपको मंदिर में लाइन बना के चलना है, अभी इतना भीड़ नहीं है। अगर शायद जिस टाइम भीड़ रहती होगी, रश रहता होगा, तब मैनेजमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है ये। Thank you.
मिट्टी में भी लग रही है क्या? अब तो और भी बड़ो बना दिया इन्हें। पानी पियोगे बेटू? देख के चलो, देख के चलो। मैं छोटा सा बाबू जा रहा है, छोटा सा बाबू जा रहा है। देखना इधर, इधर देखना। गाइस मंदिर का पूरा परिसर आप देख सकते हैं, इतना बड़ा मंदिर है, बहुत शानदार मंदिर है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। ये हमारी कानों के पैर जल गए हैं इसलिए मम्मी ने इसको ले लिया है गोद में। तो बहुत ज़्यादा हीट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, लेकिन मंदिर बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये फोटोशूट वगैरह करवा रखे हैं। और मंदिर का नज़ारा मैं आपको उधर से भी दिखाती हूँ। ये शायद कुछ बैठने के लिए या कुछ रहने के लिए स्थान होगा, कार्यालय भवन बनाया हुआ है इधर इन्होंने। तो ये आप देखिए इस तरह से, और पूरे मंदिर में चारों तरफ इस तरह से बना रखी है ताकि यहाँ का मैनेजमेंट बना रहे अच्छे से। ये देखिए, बिना आज्ञा प्रवेश नहीं करना है इसके अंदर। तो ये इस तरह से है, वो लोग फोटो शूट करवा रहे हैं। ये तो कार है, जैसे भी कहा है हम नाकुड़ा जी से लेंगे अपन। गायों को नहीं पसंद ये तो सही हो जाए। मैं यार बेलन आए ओ ओ मम्मी मम्मी बेलन तो बढ़िया हो चाहिए। प्लास्टिक भी बेलन बढ़िया होता है, बढ़िया होता है, भारी आंदोलन आया हुआ कुछ। चलो बेटा गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं नाकोड़ा जी। नाकोड़ा जी ये जो है जैन मंदिर है, ये जैन मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ मोस्टली जैन लोग आते हैं, ऐसे तो सभी लोग आते हैं पर मोस्टली वही लोग वो लोग ही आते हैं। और मैं यहाँ चाहे तीसरी बार आई हूँ, तो पहले इतना डेवलप नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया है।
आप देख सकते हैं बहुत अच्छा, लेकिन इतनी ज़्यादा धूप है ना, बहुत ही ज़्यादा धूप है। आप बारिश के मौसम में आओ, थोड़ा ठंड में आओ तो ज़्यादा अच्छा है। अभी तो ऐसे चक्कर आ रहे हैं, ऐसे बेहोश होने वाली कंडीशन हो रखी है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, लोग पेड़ के नीचे बैठ के देखो आराम कर रहे हैं। लेकिन आज बादल इतने अच्छे हो रहे हैं, मौसम इतना हो रहा है, लेकिन गर्मी बहुत हाई लेवल की है। हो आप देख सकते हैं दिव्य भूमि श्री नाकोड़ा जी महातीर्थ की पावन वसुंधरा पर भव्यतिथि भव्य चातुर्मास आराधना। तो ये इस तरह से मंदिर है, मंदिर इन्होंने खूब सारा बहुत सारा अच्छे से सजाया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है नज़ारा। अंदर बहुत अच्छी बैठने की जगह है, आप देख सकते हैं। आज बादल बहुत प्यारे हो रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं बादल। तो ये देखिए, आपको पीने के लिए पानी की व्यवस्था मिलेगी, मंदिर बहुत साफ़ सुथरे हैं। बस जैन मंदिर की यही अच्छी खासियत होती है कि यहाँ बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रहता है हर जगह। देखिए पूरा गार्डन बना रखा है इस तरह से, देखे। इस तरह से है पूरा मंदिर। तो यहाँ पे अंदर कुछ गिनी चुनी शॉप्स लगी हैं जहाँ से आप कुछ खरीद सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं, और ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा। देख सकते हैं आप, छोटी सी दुकान है बस। तो बस अभी हम यहाँ से कवर कर गए, अभी हम निकलेंगे घर के लिए, मिलते हैं आपसे बाद में। तब तक के लिए आप प्लीज़ लोगो ज़रूर देखिएगा। तो अभी हम पहुंच गए हैं आशोतरा, आज हमने तीन जगह कवर करी है। अभी हम इतनी धूप में घूम रहे हैं, आप लोग सोच सकते हैं कि घूमने का कितना क्रेज़ होगा हम लोगों को। तो हम अभी आ गए हैं, ब्रह्मा जी का मंदिर है यहाँ पे, एक तो पुष्कर में है और सेकंड यहाँ पे है ब्रह्मा जी का मंदिर। जो पुष्कर वाला वो बहुत पुराना है, ये तो शायद उसके बाद का है। तो ये दो ही मंदिर है। तो अभी हम आए, आज मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर, जगह काफ़ी है, बड़ा बहुत लग रहा है, अंदर जाके पता चलेगा कि कैसा है। अभी हम ये जगह कवर करके फिर जाएंगे हम वापस घर, घर के लिए प्रस्थान करेंगे हम।
है मंदिर के अंदर का व्यू, फोटो खींचना मना है सख्त। मैं देखती हूँ आगे। भारी